लापता कर देगा, लापतागंज हो गया है। बिहार में जो छात्र भी थे वह भी पलायन कर गए। आप बिहार में विकास का लकीर नहीं विनाश का लकीर खींचे हैं। केंद्र सरकार जो राशि आवंटित करती है बिहार को, बिहार उसको खर्च भी नहीं कर पाता है, वो राशि पुनः केंद्र को लौट जाती है। पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शीर्ष पर बैठे हैं, लेकिन बिहार के विकास के प्रति वह जरा सा भी चिंतित नहीं है। ये उद्योग कहाँ से लाएंगे, सुई लगाने तक का फैक्ट्री यहाँ पर ये नहीं ला पाए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक बहुत बड़े ऐलान कर दिए है। 14 तारीख को आने वाले 14 फरवरी को एक आक्रोश मार्च की बात कही जा रही है। हम बात करेंगे, चंदन सिंह है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता, क्या करने जा रहे हैं 14 तारीख को आप? देखिए, आगामी 14 फरवरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक आक्रोश मार्च निकालेगी जेपी गोलंबर से, और वो महामहिम राज्यपाल भवन तक जाएगा। हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करेंगे महामहिम से। बिहार में जितने करप्शन, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और अभी शेल्टर होम पार्ट 2 आप देख रहे हैं, इन सभी विषयों को लेकर, उसमें बेरोजगारी भी होगा, उसमें अभ्यर्थियों का भी विषय होगा, उसमें वार्ड सचिवों का भी होगा, उसमें सभी विषय को हम लोग लेंगे जिसपे राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही है। नीति आयोग में बिहार जिस तरीके से पिछड़ा रह गया है, इन सब विषयों को हम लोग लेंगे। चूंकि देखिए, जनता अब त्राही त्राही कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के संबंध में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं, लगातार विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, बिहार में लगातार उद्योग की बात कर रहे हैं, तो आप किस वजह क्यों ये आक्रोश मार्च? आपने अच्छा याद दिलाया, आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी का फेसबुक पोस्ट मैंने देखा। माननीय जायसवाल जी ने उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि केंद्र सरकार जो राशि आवंटित करती है बिहार को, बिहार उसको खर्च भी नहीं कर पाता है, वो राशि पुनः केंद्र को लौट जाती है, और अन्य राज्यों के हिसाब से बिहार को विशेष पैकेज मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे कि जब आपको केंद्र सरकार बराबर सहायता देने का काम करता है, कि आप बिहार के गरीब तबका, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो कामगार हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, सबका विकास आपने क्यों नहीं किया? हम लोग बराबर यही तो मांग करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध करते हैं बराबर। पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के शीर्ष पर बैठे हैं, लेकिन बिहार के विकास के प्रति वह जरा सा भी चिंतित नहीं है। विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका राजनीतिक हथकंडा है, इनका राजनीतिक हथकंडा है। जब सरकार आपको खर्च करने के लिए जरूरत से ज्यादा राशि आपको दे रही है, आपने विकास क्यों नहीं किया? जनता पूछ रही है कि यही जो आपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग आपने अभी अलापना स्टार्ट कीजिए कि देश के प्रधान बिहार पे भी दे ध्यान, आपने ये स्लोगन जब चलाया तो आपने जनता को क्यों नहीं बताया आपने कि पिछले 16 साल से आपने विकास का कौन सा लकीर खींचे हैं? आप बिहार में विकास का लकीर नहीं विनाश का लकीर खींचे हैं। जब भी भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि बिहार को बहुत आपने पीछे करने का काम किया है और सिर्फ आपका एक राजनीतिक स्टंट है। विशेष राज्य का दर्जा ना आपको जातीय जनगणना से मतलब है, ना विशेष राज्य के दर्जे से मतलब है, ना सुशासन से मतलब है, ना विकास से मतलब है। आपको सिर्फ अगड़ा पिछड़ा करने से मतलब है, दलित महादलित करने से मतलब है। आपको एक जात को दूसरे जात से लड़ाने का आप काम करते हैं। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी 5 योजनाओं को बताएं ना, बता नहीं पाएंगे। अच्छा, आपने रोजगार की बात की, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा जो बिहार है वो समुद्र से नहीं घिरा है, समुद्र नहीं है, पूरी तरह से लैंडलॉक स्टेट है, इस वजह से यहाँ पे उद्योग लगाना संभव नहीं है, तो इस वजह से उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। बताइए, जो तो पहले यहाँ पर उद्योग थे वो तो माननीय मुख्यमंत्री के राज्य में बंद हो गए, ये उद्योग कहाँ से लाएंगे? सुई लगाने तक का फैक्ट्री यहाँ पर ये नहीं ला पाए। यहाँ पर जितने व्यवसायी और हमारे उद्यमी भाई थे
वो बिहार से डर कर यहाँ से पलायन कर गए। आप रात दिन वीडियो देख रहे होंगे, अपराधी इतना लगातार तंग तबाह कर रहे हैं, दिने दोपहरिया उनका सारा पूंजी लूट के ले जा रहे हैं, आमजनों की हत्या कर रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सरकार के लोग, सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि अभी आप 12 बजे 2 बजे रात में भी निकल जाइएगा तो आपको एक आदमी टोकने वाला नहीं मिलेगा। 12 बजे रात में निकल जाइएगा तो पता चलेगा कि कहाँ गए बिहार में, लापता कर देगा, लापता गंज हो गया है। बिहार में जो छात्र भी थे वह भी पलायन कर गए। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान ने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग क्यों नहीं विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं? आपके नेता बार बार कहते हैं कि क्यों विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। जब संविधान संसद में यह स्पष्ट हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा अब किसी को नहीं मिल सकता है, विशेष पैकेज मिल सकता है, तो विशेष पैकेज से ही ना आपका विकास होगा, हाईवे का निर्माण होगा, यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, एयरपोर्ट का निर्माण होगा, पुल पुलिया का निर्माण होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो एयरपोर्ट बनने के लिए आता है तो जमीन आवंटित नहीं करते हैं, हाईवे अपने, एक्सप्रेसवे अपने 16 साल के कार्यकाल में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बता पाएंगे। अच्छा ये बताइए, यूनिवर्सिटी यहाँ बंद हो रही है, सबकी शिक्षा की साख बिहार में गिर गई है। देखिए, कोविड के समय में छात्रों को ऑनलाइन, ये बताइए हमको कि 14 तारीख को जो करने वाले हैं, आपको लगता है मुख्यमंत्री कुछ जगेंगे? क्योंकि ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता, क्यों आप लोग? अब मुख्यमंत्री को हम लोग के पास एक मुख्यमंत्री को हम लोग को जगाना नहीं है, अब महामहिम से हम लोग का आग्रह है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगे, यही उचित समय है। चूंकि सत्ता अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही है, अपराधी चला रहे हैं। बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है, यहाँ पर अफसरशाही का बोलबाला बढ़ गया है, तभी तो यहाँ पर गली गरीब और शोषित जहरीली शराब से मर रहा है। तो यहाँ से छात्र पलायन कर रहे हैं, व्यवसायिक पलायन कर रहे हैं, बिहार में बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। अब तो आप हेलमेट चेकिंग करके, आप जुर्माना वसूल करके अपना राजस्व भरने का प्रयास कर रहे हैं, अब आपके पास राजस्व हासिल करने का कोई साधन नहीं बचा है, आप दिवालिया हो चुके हैं, बिहार को कंगाल बना चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि 14 तारीख को, आगामी 14 तारीख को बहुत बड़े जन समर्थन के साथ सड़क पर उतरेंगे चिराग पासवान और उनकी सेना। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।